मिताली, ये देखो दूध की मलाई को ऐसे अच्छे से पकाकर उससे शुद्ध देसी घी बनाया जाता है। ठीक है दादी माँ। आचार बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम आम को बहुत अच्छे से सुखाएं। क्यों दादी माँ? क्योंकि अगर आम में थोड़ी भी नमी रह गई, तो मसाले मिलाने के बाद स्वाद अच्छा नहीं होता। ठीक है दादी माँ, मैं समझ गई। इसी तरह मिताली अपनी दादी माँ से कई चीजें बनाना सीखा करती थी। मिताली को खाना बनाना बहुत पसंद था। समय बीतता गया और अब मिताली एक बहुत खूबसूरत युवती बन चुकी थी। दादी माँ ने मिताली की शादी एक बहुत ही होनहार युवक महेश से कर दी। मिताली और महेश एक साथ बहुत खुश थे। एक साल बाद मिताली और महेश को दो जुड़वा बच्चे हुए, जिनका नाम उन्होंने आलोक और आदित्य रखा। दोनों की अच्छी कट रही थी। महेश अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा रहा था। कुछ समय बाद मिताली की दादी माँ नहीं रही। उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। अब इस दुनिया में मिताली के अपने सिर्फ तीन लोग थे, महेश और उसके दो बच्चे। मिताली ने अपने आप को संभाला और फिर अपने पति और बच्चों की परवरिश में उलझ गई। लेकिन शायद भगवान ने ही मिताली के जीवन में बहुत कम खुशियां लिखी थी। महेश का एक घातक एक्सीडेंट हुआ, जिससे उसने बिस्तर पकड़ लिया। मिताली को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने आप को और अपने बच्चों को संभाले। कुछ ही दिनों में उनके खाने के लाले हो गए। उनके पास दवाइयों के भी पैसे नहीं थे। और फिर एक दिन महेश ने भी अपना देह त्याग दिया। महेश की मृत्यु से मिताली पर जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। महेश घर का अकेला कमाने वाला था, जिसके जाने से घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। मिताली ने कभी भी काम नहीं किया था, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अगर अब मैं नहीं कमाऊंगी तो मेरे दोनों बच्चे भूख से मर जाएंगे। मुझे कमाना ही होगा, लेकिन मैं कैसे कमाऊंगी? मुझे तो कोई काम भी नहीं आता, ना ही मैं पढ़ी लिखी हूँ। मिताली इसी सोच में डूबी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक उसकी नजर घर में पड़े मर्तबान पे पड़ी। आचार, हाँ मैं आचार बना के बेच सकती हूँ। मिताली ने आचार बनाना शुरू किया और जब उसका आचार बन गया, मिताली ने आचार को एक बड़े से मर्तबान में भर दिया। ये आचार मिताली बाजार ले गई। वहां चिल्ला चिल्ला कर मिताली ने आचार बेचा। कई लोगों ने मिताली से आचार खरीदा और जब शाम हुई तो मिताली अपनी पहली कमाई देखकर बहुत खुश हुई। उन पैसों से मिताली ने और आम खरीदे और अपने दोनों बच्चों के लिए कुछ खाने की चीजें भी। अगले दिन मिताली ने फिर आचार बनाया और फिर बाजार जाकर उसे बेचा। कुछ ही दिनों में मिताली का आचार पूरे शहर में चर्चा का विषय हो गया था और अब मिताली के आचार के लिए लोग कतार लगाया करते थे। मिताली खुश थी क्योंकि उसे जरूरत से ज्यादा पैसे मिल रहे थे और उसके दोनों बच्चों का पालन पोषण बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा था। कुछ वर्षों में मिताली के दोनों बेटे बड़े हो गए और अब वो दोनों बड़े स्कूल में पढ़ने जाया करते।
मिताली ने आचार बना बना कर एक बड़ा घर बना लिया था। और अब मिताली ने बाजार में एक बड़ी दुकान भी खरीद ली थी। अब वो आचार के साथ साथ अन्य कई चीजें भी बेचा करती थी। मिताली ने अपनी सहायता के लिए कई औरतों को काम पर रखा। इससे उन बेरोजगार गांव की गरीब औरतों को काम मिल गया और उनका भी जीवन बेहतर होने लगा था। और मिताली दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। मिताली ने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का भी सहारा लिया। उसका छोटा सा व्यवसाय अब एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बन चुकी थी और उसकी बाजार की वो दुकान एक 4 मंजिला कंपनी बन चुकी थी। मिताली एक अनपढ़ गरीब विधवा से अब एक बड़ी कंपनी की मालकिन बन चुकी थी। और अब जब रिपोर्टर ने उन्हें पूछा, आचार से आपने इतनी बड़ी कंपनी का सफर तय किया, मैडम क्या आप बता सकती हैं कि इसकी मुख्य प्रेरणा क्या थी? जरूरत। अगर मुझे कमाने की जरूरत नहीं होती तो ना मैं आचार बनाती और ना ही यह व्यापार बनता। मिताली मैडम, आपको अपनी इस साहस के लिए सलाम और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका ये व्यापार बहुत ही जल्द अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बने। तो मैडम, आपकी इस पूरी कहानी की सीख ये है कि कामयाब बनने के लिए लगातार मेहनत करने की ही जरूरत है। रायपुर के राज्य में रघुवेंद्र सिंह का नाम बहुत मशहूर था। रघुवेंद्र सिंह राजा के प्रिय मंत्री थे। उनकी सूझबूझ की चर्चा चारों ओर मशहूर थी। एक दिन की बात है, रघुवेंद्र सिंह जी अपने एक मित्र के साथ बाजार से गुजर रहे थे। उन्हें देख सभी लोग उन्हें प्रणाम करने लगे। प्रणाम साहेब। प्रणाम। प्रणाम साहेब। प्रणाम। इन्हीं लोगों में एक बिपिन भी था। प्रणाम साहेब। प्रणाम। अरे भाई, ये क्या, तुम एक मरा हुआ चूहा कहाँ ले जा रहे हो? साहब, चूहा बड़ा परेशान कर रहा था तो उसे मार के अब उसे फेंकने जा रहा हूँ। तुम्हें पता है, अगर इंसान में काबिलियत हो तो वो इस मरे हुए चूहे से भी अमीर बन सकता है। ऐसा बोल रघुवेंद्र जी वहाँ से चले गए और बिपिन उनकी ही बात सोचता रहा। बिपिन आगे चलता गया। आखिर कैसे मैं इस मरे हुए चूहे से अमीर बन सकता हूँ? तभी उसके सामने एक सेठ आए जिनके साथ एक बिल्ली थी। ओ भैयो, क्या तुम ये चूहा मुझे दे दोगे? मेरी बिल्ली पिछले 2 दिनों से चूहे के लिए मुझे परेशान कर रही है। बिपिन सोच ही रहा था। अरे भैयो, मैं इसके बदले तुम्हें 2 सिक्के दूंगा। बिपिन ने उस मरे हुए चूहे का सौदा 2 सिक्कों के संग कर दिया। बिपिन बहुत खुश था। वो आगे बढ़ा और उसे वहाँ एक बेकरी दिखाई दी। उसने बेकरी में से 2 कपकेक लिए। बिपिन अपने घर की ओर चलने लगा। तभी उसे 2 फूल बेचने वाले दिखाई दिए। वो काफी थके हुए थे। क्या तुम मुझे ये कपकेक्स बेच सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले 2 बड़े फूलों के गुच्छे दे सकता हूँ। बिपिन ने कपकेक्स का सौदा फूलों के गुच्छों से कर लिया। बिपिन बाजार गया और वहाँ उसने सारे फूल अच्छे दामों पर बेच दिए। अब बिपिन के पास बहुत सारे पैसे थे। थका हुआ बिपिन वापस बेकरी पहुँचा। वहाँ उसने 4 कपकेक्स खरीदे। 2 कपकेक्स उसने वहीं खा लिए और दूसरे 2 लेकर वो वहाँ से निकल गया।
चलते चलते बिपिन एक बाग के पास पहुंचा, जहां बहुत सारी टहनियां गिरी हुई थीं। बिपिन टहनियां इकट्ठा करने लगा। बाग में खेल रहे दो बच्चों ने उसकी मदद की। बिपिन ने दोनों को एक एक कपकेक दिया और वहां से गठरी लेकर चल पड़ा। फिर बिपिन ने बाजार में टहनियां बेच दी और उससे उसे बहुत सारे पैसे मिले। अगले दिन बिपिन ने इन्हीं पैसों से एक चाय की दुकान शुरू की। उसकी आमदनी बढ़ चुकी थी और वो बहुत खुश भी था। कुछ दिन बाद उसकी चाय की दुकान पे दो लोग आए जो आपस में बात कर रहे थे। भाई, सुना है एक बहुत बड़ा जहाज आने वाला है। हाँ, वो भी परदेसी जहाज। और ये भी सुना है कि यहाँ वो सोने और गहनों का सौदा करने आने वाले हैं। बिपिन ने ये बात सुन ली। बिपिन एक जौहरी के पास गया और वहाँ उसने एक माणिक की अंगूठी खरीद ली। जहाज किनारे पर आया और बिपिन कैप्टन के पास गया। ये आपके लिए मेरी तरफ से तोहफा। तोहफा? लेकिन इसके बदले आपको भी मेरा एक काम करना होगा। बिपिन ने कैप्टन को अपनी योजना बताई। कैप्टन ने बिपिन को जहाज के अंदर आए हुए दो रईस व्यापारियों से मिलवाया। बिपिन ने उन्हें सोने के जवाहरात खरीदने में मदद की और उसके बदले उसे बहुत अच्छे पैसे भी मिले। ऐसा करते करते बिपिन खुद बहुत अमीर हो चुका था। अब उसके पास खुद का घर था। बिपिन रघुवेंद्र जी से मिलने पहुंचा और उसने एक बहुत बड़ी सोने के सिक्कों की पोटली उपहार में दी। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। शुक्रिया, लेकिन ये तोहफा किस खुशी में? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। क्या हम कभी मिले हैं? हाँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ आप ही की वजह से। मैं वही व्यक्ति हूँ जो 6 महीने पहले बाजार में आपको मिला था एक चूहा पकड़े हुए, और तब से। बिपिन ने अपने साथ घटी हर घटना समझाई। बहुत खूब बिपिन, तुमने तो मेरी बात सच कर दिखाई। मैं चाहता हूँ तुम मेरी बेटी से विवाह कर मेरे दामाद बनो। ये मेरी खुशकिस्मती होगी साहब। बिपिन और रघुवेंद्र जी की बेटी की शादी हो गई और बिपिन एक बहुत बड़ा करोड़पति व्यापारी बन गया। ये कहानी हमें ये समझाती है कि कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए छोटी सी शुरुआत भी काफी है। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।